हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना जो एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग है, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो स्कीम निकाली है ना दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये 9th से लेकर क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए है। जो मैंने बता दी कौन कौन सी कैटेगरी के, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो देखिए, इसमें ना आपको 5,000 रुपये मिलते हैं अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th में हैं। अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में हैं तो आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। बस आपने जो लास्ट जो ईयर में जो आपने क्लास पास किया ना, जैसे आपने 9th और 10th के लिए अप्लाई किया, तो उसमें जो लास्ट क्लास होगी उसमें 50% मार्क्स। अगर आप 11th या क्लास 12th में इस समय पढ़ रहे हैं तो उसकी जो लास्ट क्लास होगी उसमें 60% मार्क्स आपने स्कोर होने चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें फैमिली इनकम की, तो 8 लाख तक जो है अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसकी इनकम लिमिट दे रखी है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और अगर किसी बच्चे के 75% मार्क्स से ज़्यादा आए हैं और उसकी फैमिली इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है। मतलब कोई भी इनकम लिमिट नहीं होगी अगर उस बच्चे के 75% से ज़्यादा आए होंगे। और आपको एस सी एस टी ओ बी सी का जो भी, अगर ये जो एस सी एस टी ओ बी सी वाले हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट भी जो है वो इसमें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ई डब्ल्यू एस है तो ई डब्ल्यू एस का जो है अपलोड करेंगे, जैसे कि हम बता रहे हैं ई डब्ल्यू एस के बारे में। कोई भी रिपीटर जो है वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। बैंक अकाउंट आपको जो है जॉइंट अकाउंट होना चाहिए पेरेंट्स के साथ या जो भी गार्जियन के साथ, और आधार नंबर भी आपका होना चाहिए। तो 9th से 10th क्लास के लिए जो स्कॉलरशिप है वो 5,000 रुपये है, 11th और 12th वालों के लिए 10,000 रुपये है। डॉक्यूमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर और मेंशन किया गया, एस सी एस टी ओ बी सी स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको एन फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट भी आपको जो जो फ्रेश होता है ना, मतलब जैसे रिन्यू वगैरह हर साल करवाना पड़ता है, तो वही आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पुराना दिखा दें, ठीक है, इस साल का दिखाना पड़ेगा जो रिन्यू होता है वो वाला। अगर आपने पहले नहीं बनाया तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। 9th से 12th क्लास तक जो भी आप पढ़ रहे हैं तो स्टडी का उसका प्रूफ भी लगाना पड़ेगा, मार्कशीट भी आपको पिछले साल की लगानी पड़ेगी। मैंने और भी स्कॉलरशिप की वीडियो बना रखी है तो आप उन सबको भी देख लेना, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इसी स्कॉलरशिप को लेकर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो बाकी और वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।